हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट तरीके से आलू गोभी की ग्रेवी वाली सब्जी, जो कि बहुत ही टेस्टी है। ये देखिए, ग्रेवी बहुत ही टेस्टी है, ज़्यादा तेल भी नहीं है और कम भी नहीं है, एकदम परफेक्ट। तो शुरू करें अपनी रेसिपी। एक कढ़ाई में हम 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तेल को हमने कढ़ाई में चारों तरफ फैला दिया है और बहुत अच्छी तरह से तेल को हम गरम करेंगे कि जब हम इसमें सब्जियां डालें तो हमारी सब्जियां इसमें चिपके नहीं। तो तेल बहुत गरम हो चुका है तो गोभी डाल देते हैं। गोभी को हम तेल में तेज आंच पर अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। गोभियों को मैंने भून लिया है और इस तरह से फैला दिया है, फिर भी हमारी कढ़ाई में जगह बच गई है तो हम साइड साइड से आलू को भी इस तरह से बिछा देते हैं। गोभी को फ्राई होते हुए कुछ देर हो चुके हैं तो हम बीच में से दिखाते हैं आपको। ये देखिए, गोभी कैसे धीरे धीरे फ्राई हो रही है और खुशबू भी आने लगी है, तो हम इसी तरह इसको थोड़ा सा चला देते हैं। गोभी में और आलू में बहुत ही अच्छे कलर आ चुके हैं और ये देखिए, बिल्कुल भी तेल नीचे नहीं है और आधी आलू और गोभी हमारे पक चुके हैं, तो इन्हें हम एक साइड में निकाल लेते हैं। उसी कढ़ाई में हम 2 बड़े चम्मच फिर से तेल डालेंगे। तेल गरम हो चुका है तो 1 बड़ा चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा लाल हो चुका है तो 3 बड़े कटे हुए प्याज डाल देंगे। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं तो इसके बाद अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं एकदम बाद में डालूंगी जिससे कि खाने का स्वाद और बढ़ जाता है, तो ये ट्रिक बहुत ही बढ़िया है। अब इसके बाद हम 3 कटे हुए टमाटर डाल देंगे। सब्जियों की क्वांटिटी देखते हुए हम इसमें इस समय नमक डाल देते हैं और इसे हम अच्छी तरह से चलाकर ढक देंगे और टमाटर गलने तक पका लेते हैं। 4 चम्मच हमने इसमें दही लिया है और दही बिल्कुल भी खट्टी नहीं है, तो उसमें हम 1 बड़ा चम्मच मलाई डाल रहे हैं, जो कि दूध के ऊपर से निकाला जाता है ना, तो वही है, और इसे हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। दही और मलाई अच्छे से फिट चुकी है। 1 बड़ा चम्मच हम हल्दी पाउडर डालेंगे, 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर। आपको जितना तीखा खाना है उस हिसाब से, तो मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ मिर्ची का पाउडर और 1 चम्मच मैं डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्च, जो कि सिर्फ सब्जियों को रंग देगा, ये बिल्कुल भी तीखा नहीं होता। सारे मसालों को हम अच्छी तरह से इसमें दही में अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, जिससे कि हमारा जो भी मसाले हैं दही में अच्छी तरह से फूल जाए। टमाटर बहुत ही अच्छी तरह से गल चुके हैं और देखिए, मैंने दही में मसाले अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं, तो इस समय हम सारे मसाले इसमें डाल देंगे। मीडियम आंच पर हम इसे आराम से चलाते रहेंगे जब तक कि इसमें उबाल नहीं आ जाता। ग्रेवी में उबाल आने लगा है तो कसूरी मेथी को हम इस तरह से क्रश करते हुए डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच गर्म मसाला पाउडर डाल देंगे। इस समय हम अदरक और लहसुन का जो पेस्ट बनाया था उसे डाल देंगे। इस समय डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है अदरक और लहसुन का। मसालों की और अदरक लहसुन की बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है, तो जो हमने आलू और गोभी को फ्राई किया था तो इस समय हम डाल देते हैं। अब सब्जी में हम 1 कटोरी पानी डालेंगे। सब्जी में मैंने 2 कटोरी पानी डाला है क्योंकि थोड़ा पानी तो वो सब्जी पकने में लग जाएगा, तो थोड़ी सी तो ग्रेवी होनी चाहिए, आप अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं। तो गोभी और आलू थोड़े कच्चे हैं तो इन्हें हम ढक कर 5 मिनट तक इसी तरह धीमी आंच पर पका लेंगे। सब्जी को खोलते हैं, बहुत ही बढ़िया रंग आ चुका है और ऊपर से तेल भी छूट चुका है और गोभी और आलू भी पक चुके हैं, तो ऊपर से हम खूब सारा हरा धनिया छिड़क देंगे। तो ये सब्जी की रेसिपी, आलू गोभी की ग्रेवी वाली सब्जी, रेस्टोरेंट तरीके से कोई भी मेहमान वगैरह आए तो इस तरह से सब्जी बनाए तो बहुत ही टेस्टी होगा और बहुत ही जल्दी बन जाएगा। तो ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।